गुरुवार को भागलपुर समेत देश भर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं भागलपुर जिले के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह मैदान में मुस्लिम भाइयों ने 30 दिन का रोजा रखने के बाद ईद मनाई। सुबह 7:30 बजे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता नोमन अंसारी, सांसद प्रतिनिधि पवन केशान, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, समाजसेवी मोहम्मद सिराज अंसारी सहित अन्य दल के नेताओं ने दिलगौरी विराट ईदगाह मैदान पहुंचकर एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। नोमन अंसारी और मस्जिद के इमाम साजिद रहमानी ने पूरे देश में भाईचारे का संदेश देते हुए अमन चैन, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद पर्व मनाने की अपील की। इस दौरान हजारों मुस्लिम भाई मौजूद थे। अंदर हम लोग शांति चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये खुशी सुधा त्यौहार है, उनको हम लोग शांति का पैगाम देना चाहता है। वैसे भी हमारा जो त्यौहार है बिल्कुल शांति के साथ एकदम गजी हुआ, तो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि मुल्क के अंदर न्याय व्यवस्था बनी रहे। रामनवमी और लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव को लेकर बुधवार को भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी राज, डीसीएलआर, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी 2, कई प्रखंड के अंचलाधिकारी समेत जिले के कई विभागों के पदाधिकारी की मौजूदगी में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। रामनवमी और ईद को लेकर शांति समिति के कई सदस्यों ने अपनी बातें रखी, जबकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के माहौल में त्यौहार मनाने और लोकतंत्र के महापर्व को देखते हुए हर स्तर पर सभी लोगों को सजग और सतर्क रहने की बात कही। इसके अलावा रामनवमी जुलूस को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए सौसमय और शांतिपूर्ण माहौल में तय रूट से शोभा यात्रा निकाले जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। साथ ही पुलिस पदाधिकारी समेत संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भी आदेशों का पालन कराने का निर्देश दिया गया। इधर जिला शांति समिति के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासनिक आदेश के पालन कराने के लिए हर संभव सहयोग करने और बिना किसी व्यवधान के त्यौहार संपन्न कराने का भरोसा डीएम और वरीय पदाधिकारियों को दिया। साथ ही कहा कि किसी भी स्थिति में शहर की शांति व्यवस्था बाधित नहीं हो, इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास किया जाएगा, जिससे पर्व त्यौहार के साथ चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। गुरुवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर गांव में पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी और बेटे ने मिलकर पति को लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान पूर्व वार्ड पार्षद सुभाष पुद्दार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुभाष पुद्दार के नाजायज संबंधों को लेकर घर में प्रतिदिन विवाद होता रहता था। गुरुवार को भी पति और पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद राधा देवी और उसके बेटे आत्मवर्धन कुमार ने सुभाष पुद्दार को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना में सुभाष पुद्दार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सुभाष पुद्दार को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। पुलिस आरोपी पत्नी और बेटे की तलाश कर रही है। हालांकि घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें राधा देवी और आत्मवर्धन कुमार सुभाष पुद्दार को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम नहीं उनको मारे हैं, उन्होंने ही घर आए 12:30 बजे लगभग, और सबसे पहले तो जब से इनका बेल हो गया तब से ही हमको पूरा टॉर्चर करने लगा। अब मेरा बेल हो गया, अब तुम लोग को देख लेंगे, घर से निकाल देंगे और हम उस महिला को और उसके बच्चे को लेकर के घर में रहेंगे, तुम लोग मेरा घर खाली करो। ये कौन कर रहा है? सुभाष जी बोल रहे हैं, और सुभाष जी के फैमिली, उनका भाई और नंदनी कुमारी, इंद्रदेव पोदार और नंदनी कुमारी, उनका दोनों भाइगना आर्यन राज और गौरव, क्या कर रहा है कि घर खाली करो नहीं तो उसका मर्डर कर दो। उन्होंने ही करवा रहा है। किसका मर्डर कर दो?
हमरा मेरा और मेरे बच्चों का। कौन कर रहा है? सुभाष जी और सुभाष जी का फैमिली पूरा। 6 अप्रैल को इन्होंने घर आए, 6 अप्रैल को घर आए। उन्होंने हमको इतना मानसिक टॉर्चर करने लगा, घर खाली करो, घर खाली करो, घर खाली करो। कल क्या घटना घटी है? कल जो है घटना घटे कि उन्होंने बाहर से आए, बाहर से आए और उन्होंने अपना कपड़ा खोला। कपड़ा खोलते हुए मेरे, हम जिस रूम में रहते हैं उधर आए और सीना ठोक ठोक करके बोलने लगे कि मेरा घर खाली करो, ठीक, मेरा घर खाली करो, माँ बेटा मेरा घर खाली करो, हम उस महिला को लेकर के रहेंगे, उसके बच्चों को लेकर के रहेंगे। तो उतना बोलते बोलते हम लोगों को मारने के लिए वो घर घुस गया। क्या चीज से? डंडा लेकर के। किनको मारा? किनको मारा? डंडा लेकर के हमको मारने लगे। जी जी। वो बीच बचाव करने के लिए मेरा छोटा बेटा आत्मवर्धन आया। आत्मवर्धन जब आया तो उसको दीवार में सटा करके गला कस के दबा दिया और उस डंडा से मारने लगा, पूरा मारा उसको, हमको भी मारा। उसके बाद जो है इस सीसीटीवी फुटेज में नहीं है क्योंकि हमको अंदर रूम में मारा है। और उसी बीच बचाव में विवाद बढ़ा और बोला कि तुम दोनों का आज लहास निकाल देंगे, नहीं तो घर खाली करो, मर्डर कर देंगे, गोली मार देंगे, 6-6 गोली दोनों का सीना में ठोकेंगे। दो गो माय बेटा तो है ये है घर में। और बहुत मन बढ़ू प्रवृत्ति का सुभाष पोद्दार है, बहुत मन बढ़ू प्रवृत्ति का। कहलगांव के सनौला में इन दिनों प्रत्येक गली मोहल्ले में कुकुरमुत्ते की तरह निजी अस्पताल और फर्जी अस्पताल की मनमानी चरम सीमा पर है। मजबूर, बेबस और लाचार मरीजों से मजबूरी का फायदा उठाकर निजी क्लिनिक के संचालक मोटी रकम वसूल रहे हैं। ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सटे रिमझिम क्लिनिक एवं बेबी केयर का है, जहां नामी गिरामी MBBS डॉक्टर का बोर्ड लगाकर क्लिनिक संचालक गरीब लोगों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। दरअसल पिछले सोमवार को ही पुठिया गांव निवासी आरती देवी को पति देवेंद्र पासवान ने मजबूर होकर आशा के सहयोग से रिमझिम क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां मरीज के ससुर चमकलाल पासवान ने बताया क्लिनिक में उपस्थित कर्मियों ने मरीज की हालत गंभीर बताते हुए सर्जरी करने की सलाह दी, जिसके एवज में 27,000 रुपया खर्च बताया गया। सर्जरी हुई और पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद डॉक्टर ने नवजात शिशु की गंभीर हालत बताते हुए उसे नवजात शिशु को रिमझिम क्लिनिक से सटे बेबी केयर में भर्ती कराया। उधर जच्चा और बच्चा दोनों की स्थिति गंभीर हो गई। डॉक्टर ने जच्चा को ब्लड चढ़ाने की सलाह दी, जिसके बाद 3 यूनिट ब्लड 20,000 रुपये मरीज के परिजनों को चुकाना पड़ा। हालांकि दोनों क्लिनिक से मिलाकर 76,000 रुपये का बिल गरीब मजबूर पीड़ित को दे दिया गया। वहीं गरीब बेबस मरीज के परिजन रुपये देने में असमर्थ नजर आए। वहीं रुपये नहीं जमा करने पर क्लिनिक संचालक के द्वारा रोगी को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद क्लिनिक परिसर में ही हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और लोग हंगामा करने लगे। घटना को लेकर जब सिविल सर्जन से बात किया गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 12,000 टका जमा किए, आज 6,000 किए, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है। अभी जो जांच मतलब ऑपरेशन किया उसका भी नहीं दिया है, जो खून दिया उसको भी नहीं दिए हैं, मात्र 9,500 दिए हैं। जांच में 1,100 टका नगद दिए, फिर और फिर 1,500 टका दिए। आपको बताया कितना गया था, कितना पैसा लेना था, कितना बताया गया था कि कितना खर्च होगा? बताया गया था तो वही कि 72 घंटा हम बच्चा को रखेंगे। कितना पैसा लिया? उसके बाद कितना पैसा लिया? पैसा मतलब की 3,500 करके लेगा एक दिन का। हाँ, तो 15 दिया 72 घंटा। 72 घंटा का बात था सर, हम पैसा हमारे पास नहीं हुआ, हम नहीं आ पाए। अभी बच्चा जब पैसा आया, बच्चा अभी कहाँ? बच्चा तो वहीं शीशे में। बच्चा दे रहा आपको? नहीं, बच्चा नहीं दे रहा। क्या बोल रहा? बोल रहा है कि और 3,000 टका चाहिए। और 3,000 देता बच्चा? हम कहे कि नहीं बाबू, हमारे पास पैसा। क्या नाम है आपका? चमकलाल पासवान। जो भर्ती है, जो बच्चे की माँ के नाम? बच्चे के नाम आरती। बच्चे नहीं, उसका जो माँ का नाम क्या है? आरती। आरती। घर कहाँ पड़ता है? पोठिया। कौन सा क्लिनिक में है, कौन डॉक्टर के पास आए थे? यही क्लिनिक में है सर।
भागलपुर बूसू संघ के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से जूनियर राष्ट्रीय बूसू प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपने विद्यालय भागलपुर और बिहार का नाम रोशन किया है। दरअसल भागलपुर कार्मेल स्कूल की छात्रा अर्पिता दास ने खेलो इंडिया और आद्या कुमारी ने सब जूनियर राष्ट्रीय बूसू में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। वहीं इसको लेकर बूसू संघ के महासचिव और मार्शल आर्ट शिक्षक राजेश कुमार शाह ने बताया कि 26 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया के तहत जम्मू के भगवती नगर इंडोर हॉल में सब जूनियर राष्ट्रीय बूसू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार टीम की खिलाड़ी अर्पिता दास, आद्या और जिया कुमारी ने बूसू विमेंस लीग जूनियर के अलग अलग इवेंट में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। बता दें कि टूर्नामेंट में बिहार की ओर से टीम कोच के रूप में राजेश कुमार शाह और ऑफिशियल मधुमिता कुमारी शामिल रही। वहीं खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर बिहार बूसू संघ एवं भागलपुर के सभी पदाधिकारियों, स्कूल की प्राचार्या और शिक्षक शिक्षिका ने अपनी ओर से बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।